मैं कल ही महाराष्ट्र में एंटर हो चुका हूँ, चलते ही जाना है। शिरपुर के रास्ते पर लौकी पहुँचने वाला हूँ, पर धूप बड़ी तेज है। जय बजरंग बली, अपने को तो बस एंजॉय करना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सफर के 41वें दिन पर। समय हो रहा है सुबह के 7:05 और मैं हूँ पलासनेर में। आज यहाँ से दाभाषी गांव तक का सफ़र तय करना है। जो सर्दी खांसी हुई है वो ठीक तो हो जाएगी, पर ज़रा देर लगेगी। कोई नहीं, हमको तो हर दिन का अपना टारगेट डेस्टिनेशन कवर करना है और चलते ही जाना है। नहीं, आप बने रहिए मेरे साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कल ही महाराष्ट्र में एंटर हो चुका हूँ, मध्य प्रदेश को क्रॉस करके। कल सुबह मैं मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले के जुलवानिया में था और शाम तक मैं महाराष्ट्र के धुले ज़िले के पलासनेर तक पहुँचा था। ये शेरपुर के रास्ते पर बॉर्डर चेक पोस्ट। तीन दिन पहले दूधी पहुंचा था, अभी लौकी पहुंचने वाला हूँ। सवा 1 बज रहे हैं, पर धूप बड़ी तेज है। मंजिल अगर दूर है तो थोड़ा थोड़ा हर दिन चलो, कभी चल लो बस ऐसे ही, कभी कदम गिन गिन चलो।
3 बज गए हैं और मैं पहुंच गया हूँ शेरपुर। जय श्री राम, जय बजरंग बली। अपने को क्या है, अपने को तो बस एंजॉय करना है। तो आज हमने महाराष्ट्र के धुले जिले के पलसनेर से शीरपुर तक का 29 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। कल यहाँ से धुलिया, जिसे धुले भी कहते हैं, वहाँ के लिए हमें पहुँचना है। इस ब्लॉग को यहीं पर पॉज करता हूँ, आपसे कल मिलता हूँ एक नए दिन पर नई कहानियों और उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारे सफ़र को काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों को भी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।